हेलो गाइस, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब पर थंबनेल कैसे लगाएंगे। अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वहां पर आपको थंबनेल लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपकी वीडियो पर कोई जब भी क्लिक करता है तो वो सिर्फ थंबनेल को देखकर करता है। तो थंबनेल आपका बहुत ज़्यादा क्लिक करने पर एक रोल निभाता है, यानी अगर आपकी वीडियो देखना चाहे तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ होता है तो उस थंबनेल का होता है। तो वहां पर आप थंबनेल कैसे लगाएंगे और कहां से लगाएंगे वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। लेकिन आपको थंबनेल लगाने के लिए यूट्यूब को वेरीफाई भी करना होगा, तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको आई बटन पर मिल जाएगी वीडियो, सिंपली वहां पर देख करके आप बिल्कुल आसानी के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपको थंबनेल कैसे लगाना है वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अफ्ताब और टेक मालूमात चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, यहाँ पर आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सिंपली यहाँ पर आपको YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर वीडियो आ चुके हैं। तो यहाँ पर जिस वीडियो को आपको थंबनेल लगाना है, यानी फर्स्ट में आपको जो वीडियो अपलोड करेंगे उस पर थंबनेल लगाना होता है, तो वहाँ पर आप कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर हम कोई एक वीडियो को हम चूज करके यहाँ पर आपको थंबनेल लगा के बता देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो ये है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से खुल चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पेंसिल का आइकन है, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फिर से एक पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से खुल चुका है। तो यहाँ पर आपको तीन कैटेगरी का, यहाँ पर आपको वीडियो के बीच में थंबनेल अपने से काट के YT स्टूडियो आपको देता है। अगर आपको ये पसंद है तो लगाए, वरना अगर आप चाहते हैं कोई और वीडियो में लगाना चेंज करके तो वहाँ पर आप कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं चेंज का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको चेंज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गैलरी ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सारे फोटोज़ ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जिस फोटो को आपको लगाना है, जैसे में हम इस फोटो को हम लगा करके आपको बताते हैं, लगाना हमको एक्चुअली नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है उस इमेज के ऊपर और यहाँ पर देख सकते हैं ये आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं एक डन का ऑप्शन है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ चुका है, यानी आपका थंबनेल ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, जैसे ही आप सेव करते हैं थंबनेल अपलोड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से थंबनेल अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर बैक आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का थंबनेल सेम हो चुका है, यानी ऊपर जो थंबनेल है वही नीचे भी थंबनेल हो चुका है। इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं किसी भी वीडियो के ऊपर थंबनेल। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो जरूर इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, यहाँ पर आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।